गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे पोइम द शेडो की. तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं. तो न्यू वर्ड्स में जैसे ग्लॉसरी दी हुई है यहाँ पर, शूट अप. तो शूट अप होता है एकदम से बड़ा होना, राइज और ग्रो क्विकली, एकदम से बड़ा होना. इंडिया रबर बॉल, इंडिया रबर बॉल है वो ऐसी बॉल जो कि बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, जो कि बहुत ज़्यादा उछलती है, तो वो होगी इंडिया रबर बॉल. नोशन, नोशन हो गया आइडिया. नर्स, नर्स, नर्स मतलब यहाँ पर जो देखभाल करती हो, जो देखभाल कर रहा हो या देखभाल कर रही हो, पाल रही हो, उसको नर्स कहेंगे. स्टिक हो गया अटैच. स्टिक या इसका मतलब है अटैच. अटैच मतलब चिपकना, चिपके रहना. बटरकप, बटरकप एक ऐसा जंगली पौधा है जिसमें कि पीले रंग के फूल आते हैं, और ये जो पीले रंग के फूल होते हैं ये एकदम से मक्खन के कप की तरह लगते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे पेड़ पे किसी ने मक्खन का कप रखा, बिल्कुल वैसा ही लगता है, बिल्कुल मक्खन जैसा लगता है ये. इसका टेक्सचर भी मक्खन जैसा होता है, तो और मक्खन जैसा ये दिखता भी है, मक्खन के कप की तरह दिखता है ये फूल. एरंड होता है बुरा. स्लीपी हेड, स्लीपी हेड हो गया जो बहुत थका हुआ हो या बिल्कुल नींद, बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो. ठीक है बच्चों, तो अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम. ये पोइम कौन बोल रहा है, ये कौन अपना आइडिया रख रहा है या कौन अपने दिल की बात रख रहा है शेडो को लेकर, तो वो कौन है. ए लिटिल बॉय इज द स्पीकर ऑफ, स्पीकर ऑफ द पोइम. ठीक है बच्चों, अ लिटिल बॉय इज द स्पीकर ऑफ द पोइम. अ लिटिल बॉय इज द स्पीकर ऑफ द पोइम. ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द पोएट शेडो. जो इसमें जो स्पीकर है, पोइट जो बात कर रहा है अपनी शेडो की, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो क्या चेंजेस हैं. वो कहता है ना एक लाइन में, हमने जो ये सेकंड स्टंजा में पढ़ा था, क्या कह रहा है, फॉर ही समटाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. किस टाइम ये इतनी लंबी बन जाती है ये शेडो की, जैसे कि इंडिया रबर बॉल हो. और समटाइम्स गेट सो लिटिल एंड देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और किसी टाइम तो इतनी छोटी हो जाती है कि वहाँ पर कुछ भी ना हो. तो अब क्या लिखेंगे हम कि ये इसमें क्या चेंज आती है, कभी इतनी लंबी होती है कि बहुत इंडिया रबर बॉल की तरह ये दिखती है लंबी, और किसी टाइम ये जैसे कि इंडिया रबर बॉल को खींच के वो लंबी हो जाती है या बाउंस करती है, उसको मारते हैं तो बहुत ऊँची बाउंस करती है, उछलती है बहुत ऊँचे तक, तो वैसी, या तो फिर इतनी छोटी कि ये दिखे ही ना, इतनी छोटी हो जाती है. तो हम लिखेंगे द पॉइंट्स शेडो, द पॉइंट्स शेडो sometimes shoots up taller and next time taller and taller in comma in a next moment next moment are yaar ye ghar switch hi maar
In the next moment, it gets smaller. It gets smaller to nothing. The poet's shadow, जो इस पोइट की शेडो है वो किसी टाइम इतनी लंबी हो जाती है और दूसरे ही मोमेंट में, दूसरे ही अगले ही पल में इट गेट्स स्मॉलर टू नथिंग. ये छोटी से कुछ भी नहीं तक पहुंच जाती है, इतनी छोटी होती है जैसे कि कुछ भी ना हो. ठीक है बच्चों, तो आज हम ये यहीं तक करेंगे. तो कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आदाब, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर.